मेरी ना गाड़ी है, गाड़ी के जो व्हील कवर है ना वो सिल्वर है जो नॉर्मली होते हैं, तो मैंने कहा उसमें कुछ डिज़ाइन करते हैं, उसमें थोड़ा सा ब्लैक और सिल्वर दोनों का मिक्स करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया और क्या आउटकम आया, बताना अच्छा लगा बुरा लगा, देखते हैं, लेट्स सी। गाड़ी है जो अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, देखो देखो कवर डाला हुआ है क्योंकि यार जाना है नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो देखो ये जो व्हील कवर है, ये वाला व्हील कवर, ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, बस दैट्स इट। ये देखो ये व्हील कवर है, इसको निकाल लिया और अब इसको हम चेंज कर देंगे। चलो तो जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले धो दिया, मैंने कहा इसको वॉश कर देते हैं, तो काफ़ी सारी ब्लैक यहाँ दिखती है। तो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, पहले इस पर एक बार सिल्वर कलर हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं जो भी होगा क्या कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक सीजर, एक कोई भी एक टेप ले सकते हैं आप, ये सर्जिकल ग्लव है क्योंकि ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, और ये एक ब्लेड है जिससे आप कटिंग कर सको टेप की, और हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम एक टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, और ये एक पेंट का डब्बा, ये 25 रुपये का पेंट का डब्बा है और मैंने ऐसे दो पेंट के डब्बे लिए, तो 50 रुपये में मैक्सिमम आपका ये पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हील कवर है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो हमने टेप लगा लेनी है पूरी जगह पे जहाँ जहाँ पे हमें कलर नहीं चाहिए। तो ये जो मेरे पास पुरानी टेप पड़ी हुई थी मैं इसको पूरे इसमें लगा लूँगा। और ये देखिए टेप लगने के बाद मैं इसको इस ब्लेड से काट लूँगा, जहाँ जहाँ से मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा आगे बढ़ रही है टेप, मैं इसको काट लूँगा पूरे प्रॉपर तरीके से। और अब हम शुरू करेंगे पेंट, जैसे कि मैंने कहा था मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं टिश्यू यूज़ करूँगा, तो पेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके और सॉरी, मैंने एक्चुअली ये लोगो पे नहीं लगाया था टेप, तो वो भी हमें हाइड करना है, उस पर भी मुझे पेंट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी इस पर जल्दी से लगा लूँगा टेप लगा कर, फिर मैं इस पर दोबारा से पेंट स्टार्ट करूँगा। देखिए ये मेरा लग गया है लोगो पे भी टेप, और इसको मैं पहले काट लूँगा इस ब्लेड से प्रॉपर लोगो का, ताकि वो लोगो पे ही सिर्फ कलर ना आए, उस पर वो कलर नहीं चाहिए मुझे। और ये टेप पूरी अच्छी तरीके से लगने के बाद फिर मैं इस पर दोबारा से अब पेंट स्टार्ट करूँगा। ये अच्छे से हम पेंट कर लेंगे पूरी जगहों पे, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। और ये देखिए कोने कोने जो रहते हैं इसमें थोड़े बहुत छूट जाते हैं, तो हमें ढंग से ध्यान रखना है कि ये जो कोने हैं, क्योंकि ब्रश नहीं है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, तो टिश्यू से ही हम उन जगहों पे जहाँ पे कोने हैं साइड्स हैं वहाँ पर हम लोग अच्छे से पेंट कर लेंगे। अभी इसमें एक कोट हो चुका है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा इसके सूखने का, 1 से 2 घंटे लग जाएंगे और शाम हो चुकी है तो शायद ज़्यादा भी लग जाए, सूख जाएगा, उसके बाद एक कोट और कर देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक कोट के बाद ही ठीक लग रहा है, आपको दिखाता हूँ, रुकिए, एक कोट के बाद भी ठीक लग रहा है, बट लेकिन मैं डबल कोट करूँगा, थोड़ा सा कहीं पे भी फिनिशिंग कहीं पे भी कुछ रह जाएगा, इसके लिए दूसरा कोट भी करूँगा। तो देखिए ये है पहला कोट, एक कोट के बाद देख लीजिए कैसा हो गया, ठीक है, बट अभी भी ठीक लग रहा है, लेकिन हम एक कोट और मारेंगे इसमें थोड़ा सा। Thank you.
हम लोग सूखने के लिए छोड़ देते हैं, वापस आके देखेंगे कि क्या इसका बढ़िया है, अच्छा लग रहा है अभी भी, बाकी देखते हैं रिजल्ट इसका। बाय। देखिए टेप निकालना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और ये देखिए जो इसको मैं और निकाल देता हूँ एक मिनट भाई साहब। अब एक चीज़ देखना, इस व्हील कवर में बहुत सारे स्क्रैचेस थे, उसके बावजूद ये व्हील कवर अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोगों ने ना ही ब्रश से पेंट किया, ना ही स्प्रे पेंट किया, नॉर्मल एक 25 रुपए वाला पेंट की 2 डब्बियाँ हमने यूज़ करी, उसके बाद भी अच्छा आउटकम है, बढ़िया। ये थोड़ा सा देखिए पेंट यहाँ पे इधर आ गया अलग, इसको हम साफ़ कर लेंगे बाद में किसी भी थिनर से या सैनिटाइज़र आजकल चल रहा है सबके पास है, तो उससे भी क्लियर कर लेंगे, बढ़िया लग रहा है देखो। ये मैंने इसको धो दिया है और ये क्लीन हो गया, तो इसमें अब हम लगा देंगे ये कवर।